हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल एक ही बीएसएससी जोन में। आज हम बोट एंड स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है ये अराउंड आपको हर एग्जाम में 2 मार्क्स देके जाता है, मिनिमम 2 मार्क्स। मतलब एक क्वेश्चन तो बोट एंड स्ट्रीम से और एक क्वेश्चन ट्रेन एंड डिस्टेंस से आता ही आता है। तो इस चैप्टर में टोटल मैंने 14 से 15 क्वेश्चन लिए हैं और कुल 2 वीडियोज आएंगे इसके लिए। छोटे छोटे वीडियोज होंगे 15-20 मिनट का, वो देख लोगे आप तो ये चैप्टर के लिए सफिशियंट है। बहुत मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। आई होप आपको समझ में आ जाए इजी से। इसके साथ आपको ये एक बुक ले लेना जिसमें 30-40 क्वेश्चंस हो, उतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चैप्टर के लिए सफिशियंट है। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है ये चैप्टर। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो इसमें कुछ बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो देखो इसमें क्वेश्चन बनते किस टाइप के हैं। तो देखो मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ क्या होता है। अक्सर आपने नदी देखा होगा, नदी तो सबने ही देखा है। तो नदी में ना पानी का फ्लो या तो इधर की तरफ बह रहा होगा या तो इधर की तरफ। तो यानी कि एक बोट होगा, ठीक है, से एक बोट है जो इधर की तरफ चल रहा है, यानी कि लेफ्ट टू राइट। लेकिन जो नदी की जो धारा है, यानी नदी की जो प्रवाह है, जो धारा है, यानी जो पानी है, पानी का फ्लो इस साइड है, यानी कि अपोजिट साइड। तो अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो तो हम उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। ओके, हम उसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम या फिर रॉ अप या फिर धारा के विपरीत। इस केस में क्या होता है कि स्पीड जो होता है ना वो एक्चुअली में घट जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो बोट इधर की तरफ चल रहा है और पानी उसको वापस इधर की तरफ धकेल देगा, यानी कि अगर आप यहां तक जाते हो और अगर रुक जाते हो तो पानी के साथ वापस बहकर इधर आ जाओगे। दैट मीन्स कि आपको ज्यादा स्पीड से चलना पड़ेगा अगर आप आगे की तरफ मूव करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, पूरे चैप्टर में बोट की स्पीड को ए मानेंगे और जो वाटर की स्पीड होगी यानी कि धारा की स्पीड होगी हम उसको बी मानेंगे। तो डाउनस्ट्रीम मतलब धारा के साथ है, अपस्ट्रीम मतलब धारा के विपरीत है। ये मैंने ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इसमें गूगल ट्रांसलेशन ढंग से काम किया नहीं है। तो इसमें ना मैंने ट्रांसलेट नहीं किया क्योंकि बहुत ज्यादा एरर आ रहा था। तो मैंने सिंपल इंग्लिश में ही क्वेश्चंस है, लेकिन अगर आप देख लोगे तो बहुत इजी है। मैं कोशिश करूंगा क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से समझा पाऊं हिंदी में ताकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना आए। तो ध्यान रखना, डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है धारा के साथ, अपस्ट्रीम अप मतलब उल्टा ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको ज्यादा ही मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो धारा के विपरीत को हम रॉ अप बोलते हैं या फिर अपस्ट्रीम बोलेंगे। इस पूरे क्वेश्चन चैप्टर में तैराक या बोट कुछ भी हो सकता है, यानी कि नाव भी हो सकता है, स्विमर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी चाल को हम ए मानेंगे और धारा की चाल को हम बी मानेंगे। तो जब धारा की चाल बी है और बोट की चाल ए है, तो अगर आपसे डाउनस्ट्रीम स्पीड पूछा जाए यानी कि धारा के साथ, तो भैया देखो पानी का फ्लो इस साइड है, आप भी इस साइड जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है जाना आसान होगा। तो उस केस में ना दोनों की स्पीड एड हो जाएगी, यानी ए प्लस बी। ट्रेन में भी हमने ये ट्रेन जो चैप्टर किया था उसमें भी ऐसा ही था कुछ। तो डाउनस्ट्रीम क्या है, ए प्लस बी, और अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, ए माइनस बी। ध्यान रखना डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा के साथ की स्पीड ए प्लस बी और धारा के विपरीत की जो स्पीड होगी यानी कि जो चाल होगी वो ए माइनस बी। ये इन्हीं पे पूरा चैप्टर काम कर जाएगा। एक फॉर्मूला और है, देखो ये क्या है कि अगर क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम की चाल U तथा अपस्ट्रीम की चाल V दिया हो तब बोट की चाल जो है वो हो जाएगा 1/2 U प्लस V, धारा की चाल हो जाएगा 1/2 U माइनस V। अब देखो कैसे, U क्या है, U मैंने बताया आपको, U जो है वो है डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम को हम U बोलेंगे, अपस्ट्रीम को हम V बोलेंगे। सो यहां पे अगर मैं U की वैल्यू पुट कर दूं, जैसे 1/2, U की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस B, और V की वैल्यू A माइनस बी। देखो B से B कटा, 2A अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू A, वो है बोट की चाल। ऐसे ही इसमें करोगे तो B आ जाएगा। तो ध्यान रखना ये कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस, ये सिंपल सा फॉर्मूला है जो इन्हीं दोनों से बना है। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में डाउनस्ट्रीम की स्पीड और अपस्ट्रीम की स्पीड दे रखा हो तो बोट की चाल आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, 1/2 U प्लस V, और धारा की चाल के लिए आपको U माइनस V करना पड़ेगा, बस इतना ही है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके,
देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट कैन रो डाउन अ रिवर एट 21 किलोमीटर पर आवर एंड रो अप द रिवर एट 9 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक बोट है जो नदी के साथ 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और नदी के चाल के विपरीत 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। दैट मींस कि ये कह रहा है कि जो अपस्ट्रीम की स्पीड है ना उसकी, वो है यानी कि ए प्लस बी, वो है 21, लेकिन जो वी है, ये यू है, ये वी है, वी यानी कि धारा के विपरीत की जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर है। अब देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, वेलोसिटी का मतलब एक तरह से स्पीड ही होता है, वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब है यहां धारा। ओके, आपसे पूछा गया है कि धारा की चाल क्या होगा, तो देखो जरा गौर से, अपस्ट्रीम यानी ए प्लस बी 21 दे रखा है, ए माइनस बी 9 दे रखा है, इसको ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2a, बी से बी कटा, 12, 21 और 9, 30, यहां से a की वैल्यू आ गई 50। ए क्या है, जैसे कि मैंने बताया था पूरे चैप्टर में हम यही करेंगे, ए जो होगा वो बोट या फिर स्विमर, यानी कि नाव या फिर तैराक की चाल को हम ए लिखेंगे और बी जो है वो धारा। ओके, धारा या फिर पानी, तो ए 15 आ गया, बट हमें बी निकालना है, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 21, सो बी इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आर, ये धारा की चाल है और ये नाव की चाल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम है, देखो क्या कह रहा है, अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट 14 किलोमीटर पर आर, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, धारा के साथ की जो स्पीड है वो है 14 किलोमीटर पर आर, और अपस्ट्रीम जो है वो है 6 किलोमीटर पर आर, मतलब धारा के विपरीत। तो आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर, आपसे स्विमर की स्पीड पूछी गई, यानी कि आपसे ए पूछा गया है। देखो धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम क्या दे रखा है, डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला ए प्लस बी है 14, और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला ये डाउन स्ट्रीम का है, और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी जो दे रखा है 6। अगेन वही करते हैं, ऐड कर दो, 2a इज इक्वल टू 20, a इज इक्वल टू 10, यही आपका आंसर है। आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ स्विमर यानी कि तैराक की स्पीड क्या है, तो वो 10 है, अगर आपसे धारा की स्पीड पूछी जाती तो आप a प्लस बी 14 है, तो a की वैल्यू 10 पुट करके b की वैल्यू 4 निकाल देते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ बोटमैन इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो बोटमैन है यानी कि जो नाव है उसकी जो चाल है वो अगर वो धारा के साथ चले डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम तो उसकी स्पीड है 15 किलोमीटर पर आवर, यानी कि डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के साथ स्पीड ए प्लस बी होती है जो आपको गिवन है 15 किलोमीटर पर आर। उसके बाद कह रहा है वाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम यानी कि यहां पे ध्यान रखना ये धारा की चाल दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम को हम क्या कहते हैं, धारा या फिर पानी, वाइल द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.5 किलोमीटर, तो आपके पास ए प्लस बी दे रखा है क्वेश्चन में कितना 15, और बी गिवन है 1.5 किलोमीटर पर आर, तो पहला काम तो आपका यहां से ए निकाल दोगे, क्योंकि देखो ए प्लस बी जो है वो 15 है, a प्लस 1.5 15 हो जाएगा, यहां से a की वैल्यू आ गई 13.5। अब आगे देखो क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोटमैन अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि आपसे पूछा है अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अगेंस्ट द स्ट्रीम यानी कि धारा के विपरीत, और अपस्ट्रीम का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी, a आपने निकाल दिया 13.5, b निकाल दिया है 1.5, तो यह आ जाएगा 12। ये बहुत इजी चैप्टर है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है कि अ स्विमर कैन स्विम अ डिस्टेंस ऑफ 36 किलोमीटर इन 6 आर डाउनस्ट्रीम। अब जरा गौर से देखो, ये कह रहा है कि एक स्विमर है जो धारा के साथ 36 किलोमीटर 6 घंटे में चलता है। ओके, धारा के साथ 36 किलोमीटर 6 घंटे में चलता है एंड डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स, और धारा के विपरीत वो 40 किलोमीटर 8 घंटे में चलता है। तो आपसे पूछा गया है स्पीड ऑफ स्विमर, तो जरा गौर से देखो, धारा के साथ, ये इंग्लिश मीडियम वालों को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं हिंदी लिख रहा हूं, तो हिंदी मीडियम को प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसीलिए मैं इस चैप्टर में कोशिश कर रहा हूं हिंदी ज्यादा यूज करूं। तो धारा के साथ जो स्पीड है, धारा के साथ
चाल निकाल दोगे, कैसे निकलेगा 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स। फॉर्मूला पता ही है आपको, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो धारा के साथ ये 36 किलोमीटर 6 घंटे में चल रहा है, यानी कि धारा के साथ की स्पीड 6 आ गई है, ये क्या है a प्लस बी विच इज इक्वल टू 6। अब देखो क्या कह रहा है, एंड डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स, और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर चलता है 8 घंटे में। तो धारा के विपरीत की स्पीड निकाल दोगे 40/8, क्या जाएगा 5। तो ये आ गया आपका a माइनस बी 5। इसको सॉल्व कर लोगे, एड किया 2a इज इक्वल टू 11, a इज इक्वल टू 5.5, पुट करके b की वैल्यू 0.5 निकाल सकते हो। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में स्पीड क्या है स्विमर की, तो स्विमर की स्पीड स्टिल वाटर में होगी 5.5 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, ये कह रहा है पांचवा क्वेश्चन देखो क्या है, इन 3 आर अ स्विमर कैन बो 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन सेम टाइम। मतलब ये कि एक स्विमर है जो धारा के साथ 21 किलोमीटर 3 घंटे में चलता है। ओके, एक स्विमर है, इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ स्विमर कैन स्विम 21 किलोमीटर इन 3 आवर्स, ये है डाउनस्ट्रीम की बात। ओके, और उसके बाद कह रहा है एंड 15 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम इन सेम टाइम, यानी कि 15 किलोमीटर अगेंस्ट भी वो चल सकता है सेम टाइम, यानी कि 3 घंटे में ही। तो स्विमर कैन स्विम 15 किलोमीटर इन 3 आर, ये क्या है अगेंस्ट, यानी कि अपस्ट्रीम। तो जैसे पहला क्वेश्चन किया था, इससे पिछला क्वेश्चन किया था, सेम वही आ गया क्वेश्चन। देखो डाउनस्ट्रीम स्पीड निकाल दोगे, डाउनस्ट्रीम 21 3 घंटे में, तो 7 आ गया, यानी कि आपके पास a प्लस बी कितना है 7, और अपस्ट्रीम क्या है 15 किलोमीटर इन 3 आवर्स यानी कि 5। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 5, इसको ऐड कर लो 2a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 6। क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा है, यानी कि आपसे b की वैल्यू पूछी गई है। तो a की वैल्यू 6 है, पुट कर दो b की वैल्यू 1 आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा, इस क्वेश्चन में बस इतना ही था। ये देखो ये क्या कह रहा है, 3 घंटे में ही वो 21 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चल सकता है और 3 घंटे में ही 15 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम भी चल सकता है। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड 7 निकाल दिया और अपस्ट्रीम की स्पीड 5, और फिर आगे सॉल्व कर दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। क्या कह रहा है, टू प्लेसेस आर 108 किलोमीटर अपार्ट, दो जगह है, से एक ए है, ए बी तो हम स्पीड मानते हैं तो कुछ और मानते हैं इसको, से हम इसको पी मान लेते हैं, पी और क्यू। मान लो ये एक नदी है, ओके ये एक नदी है पी क्यू, इन दोनों पे एक बोट खड़ा हो रखा है। ओके, यहां पे भी एक बोट है और यहां पे भी एक बोट है। टू बोट स्टार्ट्स फ्रॉम बोथ प्लेसेस एट सेम टाइम, दोनों एक साथ एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। ओके, पी जो है क्यू की तरफ और क्यू पी की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं towards each other. If one boat is going downstream, अब जाहिर सी बात है, देखो नदी या तो इस साइड की तरफ चल रही होगी या तो इस साइड की तरफ चल रही होगी, that means कि एक बोट जो है वो अपस्ट्रीम चल रहा है और एक बोट जो है वो डाउनस्ट्रीम चल रहा है। आगे देखो, after how much time they meet each other if their speeds are 20 किलोमीटर and 15 किलोमीटर, तो हम P की स्पीड 12 मान लेते हैं और Q की स्पीड हम 15 मान लेते हैं, और अब हमें स्ट्रीम की स्पीड नहीं पता इस क्वेश्चन में, तो हम स्ट्रीम की स्पीड को x मान लेते हैं। अब जरा गौर से देखो, मान लेते हैं कि जो नदी का फ्लो है वो इस तरफ है, ओके इस तरफ है, तो p जो है वो नदी के साथ चल रहा है, तो p की स्पीड क्या हो जाएगी 12 प्लस एक्स, और जब मैं q के बारे में बात करूं तो q देखो इस साइड चल रहा है, यानी कि धारा के विपरीत, धारा के अपोजिट, तो q की स्पीड क्या हो जाएगी 15 माइनस एक्स, क्योंकि देखो धारा के अपोजिट, तो धारा की जो स्पीड है वो उसमें घट जाएगी। अब जरा गौर से देखो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे थे, यानी कि दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 108 किलोमीटर। देखो क्यों, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा कि P को Q पे जाने में कितना टाइम लगेगा या Q को P में जाने में, ये बोले दोनों मिलेंगे कहां पे, तो मान के चलते हैं से यहां मिल रहा है वो, कहीं पे भी मिल सकते हैं, मान लेते हैं यहां मिलते हैं। तो देखो ये कुछ स्पीड चलेगा, सॉरी कुछ डिस्टेंस चलेगा और कुछ डिस्टेंस Q चलेगा, और दोनों मिला के 108 किलोमीटर चल रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो टोटल डिस्टेंस है वो है 108
8 किलोमीटर। ओके, अब हम देखते हैं स्पीड कितना होगा। अगर आपको ट्रेन वाले चैप्टर का याद है तो मैंने बताया था कि जब दो बोट या दो ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हो ना तो स्पीड प्लस हो जाता है, अगर एक साथ चलते हैं तो स्पीड माइनस, और अगर अपोजिट चल रहा हो, देखो अपोजिट ही तो है, पी क्यू की तरफ आ रहा है, क्यू पी की तरफ आ रहा है, जैसे दो दोस्त है, एक पी है और एक क्यू है, दोनों मिलने के लिए एक दूसरे से गले मिलने के लिए भाग रहे हैं, तो भैया दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि कुछ पी चलता है कुछ क्यू चलता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, देखो पी की स्पीड है 12 प्लस एक्स और क्यू की स्पीड है 15 माइनस एक्स, तो जब ऐड करोगे देखो एक्स एक्स कटा तो स्पीड एक्चुअली में स्पीड कितना आ गया 27। देखो स्पीड 27 है, डिस्टेंस 108 किलोमीटर है, तो यहां से टाइम निकल जाएगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस है 108 किलोमीटर और स्पीड है 27, तो ये आ जाएगा 4R। इजी क्वेश्चन था, बस समझना है कि क्वेश्चन क्या क्या रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लो, क्या था क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है दो जगह है एक दूसरे से 108 किलोमीटर दूर, दो बोट एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करती है, एक की स्पीड 12 किलोमीटर है, दूसरे का स्पीड है 15 किलोमीटर, तो दोनों जब मिलेंगे तो मतलब कितनी देर में मिलेंगे, तो हमने इस तरीके से आंसर निकाल दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ बोट टेक्स डबल ऑफ टाइम टेकन बाय इट टू गो डाउन स्ट्रीम व्हाइल कमिंग इन अपस्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम में जब वो जाता है ना तो वो डबल टाइम लेता है एज कंपेयर टू अपस्ट्रीम। अब जरा गौर से देखो, क्वेश्चन समझ लो क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब वो धारा के साथ चलता है, ओके, और जब वो धारा के विपरीत चलता है, तो यानी कि धारा के विपरीत चलने में उसको डबल टाइम लगता है जब वो धारा के साथ चल रहा होता, सो यू कैन से कि जो अपस्ट्रीम है उसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो डाउन स्ट्रीम के बराबर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो दो चीजें यहां पे, एक है धारा के साथ, ओके, और एक है धारा के विपरीत। जब आप रेसो निकालते हो तो धारा के साथ जाने में जितना उसको टाइम लगता है, धारा के विपरीत जाने में उससे डबल टाइम लगता है, तो ये टाइम का रेसो है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो टाइम का रेसो होता है ना उसका उल्टा स्पीड का रेसो होता है, तो स्पीड का रेसो क्या आ जाएगा 2:1, यानी कि धारा के साथ स्पीड कितनी होगी, धारा के साथ की स्पीड a प्लस पी और धारा के विपरीत की स्पीड a माइनस बी। आगे इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखा है, इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 3 किलोमीटर पर आर, यानी कि बी दे रखा है आपके पास 3, तो धारा के साथ की स्पीड है a प्लस 3 और धारा के विपरीत a माइनस 3। अब इक्वेशन देखो क्या है, कह रहा धारा के साथ उसको की स्पीड 2 है, 2:1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, a माइनस 6 इज इक्वल टू a प्लस सॉरी 2a माइनस 6 इज इक्वल टू a प्लस 3, इसको इधर ले आओ a, इसको इधर ले आओ, तो a की वैल्यू आ जाएगी 9 किलोमीटर पर आर, ये आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, देखते हैं वो वाला भी, देखो क्या है क्वेश्चन, ये कह रहा है अ मैन कैन बो 9 1/3 किलोमीटर पर आर इन स्टिल वाटर, यानी कि एक आदमी है जो 9 1/3 किलोमीटर पर आर की स्पीड से स्टिल वाटर में तैरता है, यानी कि अगर नदी बिल्कुल रुकी हुई है तो उसकी स्पीड कितनी है 9 1/3, तो 9 × 27 = 28/3 किलोमीटर पर आर, ये a की स्पीड है, हमें इस क्वेश्चन में b फाइंड करना है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ही फाइंड्स दैट इट टेक्स हिम थ्राइस एज मच टाइम टू रो अपस्ट्रीम एज टू रो डाउनस्ट्रीम, यानी कि जो अपस्ट्रीम में जो उसको टाइम लगता है और जो डाउनस्ट्रीम में टाइम लगता है वो रेशो है 3:1, यानी कि अपस्ट्रीम में अगर उसको 3 घंटा लग रहा है तो डाउनस्ट्रीम में कितना 1 घंटा, ये किसका रेशो है टाइम का, यानी कि धारा के विपरीत चलने में अगर उसको 3 घंटे लगता है तो धारा के साथ चलने में सिर्फ 1 घंटा लगता है, तो टाइम का रेशो है, तो स्पीड का रेशो क्या आ जाएगा 1:3, और हमें पता है अपस्ट्रीम का स्पीड होता है a माइनस बी और डाउनस्ट्रीम का होता है a प्लस बी, तो क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी इज इक्वल टू 1:3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3a माइनस 3b इज इक्वल टू a प्लस बी, आप इसको इधर ले आओ 2a इज इक्वल टू 4b, a इज इक्वल टू 2b और a क्या है आपके पास 28/3 इज इक्वल टू 2b
तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 28 बाय 3, ये 2b इधर आ गया तो 2 से कटा 14, सो ये आ गया 14 बाय 3 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड है? वाटर की, यानी कि ये वाटर कह लो, करंट कह लो, धारा कह लो, ये धारा की स्पीड है 14 बाय 3। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो टाइम का जो रेशो होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है स्पीड का रेशो। जब हम टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर करेंगे तब आप ये और अच्छे से सीख लोगे, क्योंकि देखो उसमें सिर्फ यही है, उसमें रेशो का ही काम है और कुछ काम नहीं है, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, वो थोड़ा इनसे लेवल अप होगा, तो तब तक आप इसकी तैयारी कर लो, आपके पास पूरा दिन है। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट में बता दो कि कैसी लगी है वीडियो, थोड़ा अच्छा लगता है अगर आप लोग बताओ कि कैसा लगता है। जैसे किसी भाई ने बताया था आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, तो भैया ऐसी ऐसी तारीफें करते रहा करो ताकि मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम पे एक ही बीएसएससी जोन पे फॉलो कर सकते हो, नीचे व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक है, वो ज्वाइन कर लो आप, आपके लिए अच्छा होगा, क्वेश्चंस वगैरह वहां पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल एक ही बीएसएससी जोन में। हम बोर्ड एंड स्ट्रीम कर रहे थे, एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आप चेक कर सकते हो, वो वीडियो देख लो तभी आप ये वीडियो देखना, समझने में ज्यादा आसानी होगी। पहले वीडियो में मैंने 8 क्वेश्चंस करवाए थे और इस वीडियो में टोटल 6 क्वेश्चन है, टोटल 14 क्वेश्चन मैंने बोर्ड एंड स्ट्रीम के करवाए हैं और ये सफिशियंट है इस चैप्टर को समझने के लिए। जैसे कि मैंने बताया था आपको पहली वीडियो में कि बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ईजी चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं आज फिर क्वेश्चन। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। आज का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ बोटमैन कैन बो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 2 आर एंड अपस्ट्रीम द डिस्टेंस इन 3 आर। मतलब ये कि एक बोटमैन है जो अगर धारा के साथ चलता है तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पहुंचने में उसको 2 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर वो अपस्ट्रीम चलता है तो वहां पहुंचने में उसको 3 घंटे लगते हैं। ध्यान रखना, टाइम का रेशो जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का यहां पे गिवन है। ओके, एक बार फिर से क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बोटमैन है, वो एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करता है 2 घंटे में अगर वो धारा के साथ चले तो, और अगर धारा के विपरीत चले तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में उसे 3 घंटा लगता है। उसके बाद ये कह रहा है कि अगर स्ट्रीम की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है तो बोट की स्पीड क्या होगी। तो जरा गौर से देखो, अपस्ट्रीम जाने में उसे कितना टाइम लगता है, 3 घंटे, और डाउन स्ट्रीम जाने में 2 घंटे। ये क्या है, टाइम का रेशो है। तो यहां से स्पीड का रेशो आ जाएगा, स्पीड का रेशो क्या आएगा, 2:3, यानी कि अपस्ट्रीम का स्पीड 2 है तो डाउनस्ट्रीम का स्पीड 3 है। और हमें पता है अपस्ट्रीम की स्पीड होती है a-b और डाउनस्ट्रीम की a+b। पहले वीडियो में मैंने बता रखा है ये a-b कैसे है, a+b कैसे है। अब जरा गौर से देखो, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है इफ द स्ट्रीम फ्लोज, यानी धारा की जो चाल है वो गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर। हमें फाइंड क्या करना है, a, और रेशो दे रखा है आपके पास a-b अपॉन में a+b इज इक्वल टू 2:3। इसको सॉल्व कर लो, 3a-12 इज इक्वल टू 2a+8। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20, यानी ये 20 क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर, ये धारा की स्पीड है, ये जो है ये करंट की स्पीड है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोटमैन गोज 6 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 2 आवर्स। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बोटमैन है वो 6 किलोमीटर जाता है। ओके, मान लो ये 6 किलोमीटर की एक नदी है, ये यहां जाता है और फिर वापस आ जाता है। ओके, और कितने घंटे में, 2 घंटे में। इसलिए ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 1 घंटे जाने में 1 घंटे जाने में आने में, ये अलग अलग हो सकता है, क्योंकि देखो जाते वक्त हो सकता है वो धारा के साथ जा रहा हो अपस्ट्रीम, यानी कि जब वो जा रहा था तो वो अपोजिट जा रहा था, और जब आ रहा था तो वो धारा के साथ आ रहा था। और ये भी कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज 4 किलोमीटर पर आवर। और देखो इसमें आपको ए फाइंड करना है, बी गिवन है 4 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस भी गिवन है कितना है, 6 किलोमीटर। ओके, अब जरा गौर से देखो, अपस्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, अपस्ट्रीम जाने में यानी कि धारा के विपरीत जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस से 6 किलोमीटर और स्पीड होता है a-b, और b क्वेश्चन में कितना है, 4, और डाउनस्ट्रीम यानी कि धारा के साथ जाने में 6 अपॉन में a+4।
देखो ये धारा के विपरीत जाने में इसको इतना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कवर अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम इज 6a-4 एंड 6a+4, और दोनों मिलाकर कितने हैं 2 घंटे. सो यू कैन से 6 upon a-4 प्लस में 6 upon a+4 इज इक्वल टू 2. इसको सॉल्व कर सकते हैं, 6 into a+4 प्लस में 6 into a-4 अपॉन में a²-16 इज इक्वल टू 2. अब इसको सॉल्व करते हैं कंप्लीट, तो यह आ जाएगा 6a+24 प्लस 6a-24 अपॉन में a²-16 इज इक्वल टू 2. देखो 24 से 24 गया, 12a इज इक्वल टू 2 अपॉन में ये इधर चलेगा a²-16, ये 2 से कटा 6a, सो a²-6a-16 इज इक्वल टू 0. सॉल्व करोगे a की वैल्यू 2 आ जाएगी, 1 2 और 1 8, तो 2 को रिजेक्ट कर देते हैं. देखो 2 को हमने रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि देखो धारा की जो स्पीड है वो है यहाँ पे दे रखा है 4 km/h. तो एक चीज ध्यान रखना, बोट की स्पीड कभी भी धारा की स्पीड से कम नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने ए को रिजेक्ट कर दिया, तो सॉरी 2 को रिजेक्ट कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा 8. यानी कि अगर आपसे पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, तो 8 km/h. अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट ट्रेवल्स अपस्ट्रीम Q2P एंड डाउनस्ट्रीम P2Q इन 3 hours. ओके, एक डिस्टेंस है पी और क्यू, यहां जाने में और वापस आने में सेम क्वेश्चन है 3 घंटे लगते हैं. ओके, और द डिस्टेंस बिटवीन पी टू क्यू इज 4 km. डिस्टेंस कितना है ये, यानी कि 4 km जाने में और आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटा. और ये कह रहा है स्पीड ऑफ वाटर इज 1 km, यानी कि इस क्वेश्चन में बी 1 है, ए हमें फाइंड करना है, डिस्टेंस 4 है. ओके, तो क्या आ जाएगा, 4 upon a+b प्लस में 4 upon a-b इज इक्वल टू 3. इसको सॉल्व करते हैं, 4 into a-b तो 1 हो जाएगा b की वैल्यू यहां पे, a+1 अपॉन में a²-1 इज इक्वल टू 3. तो यह आ जाएगा 3a²-3 इज इक्वल टू 8a. इसको इधर ले आओ, 3a²-8a-3 इज इक्वल टू 0. इसको सॉल्व करते हैं, सो 3a²-9a+a-3 इज इक्वल टू 0. ये सिंपल फैक्टराइजेशन का रूल है, ये मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिखाऊंगा कि कैसे आप इस फैक्टर से ही डायरेक्ट a की वैल्यू निकाल सकते हो. इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो अपलोड कर दूंगा. a की वैल्यू 3 और -1/3 है, इसको रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि माइनस में नहीं हो सकता, तो a की वैल्यू क्या है, 3. ये है स्पीड ऑफ बोट. ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th. देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट मैन, ऐसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में. आप किसी भी एग्जाम में देखोगे ना, तो ये वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, और कुछ लोग इसका शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताएंगे, ठीक है, बट कोशिश करो कि शॉर्ट ट्रिक्स ना लगाओ, क्योंकि वो कुछ पे लगता है कुछ पे नहीं लगता है. कई लोग वैल्यू पुट करते हैं, तो भैया एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वैल्यू पुट करके एटलीस्ट बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं. तो आप पहले सीख लो इसको कैसे करना है, जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लोगे तो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे करना है. जैसे इस क्वेश्चन को देखकर ही, जैसे अगर आपने पहले कर रखा तो आपको पता चल जाएगा 9 और 4 है आंसर, लेकिन ये आपको तब आएगा जब ऐसे आप 25-30 क्वेश्चन कर लोगे. तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है. देखो ये क्या कह रहा है, एक बोटमैन है, ही गोज 39 km डाउनस्ट्रीम एंड 25 km अपस्ट्रीम एंड टेक्स 8 hours. यानी कि एक बोट है जिसको 39 km धारा के साथ और 25 km धारा के अपोजिट जाने में 8 घंटे लगते हैं. तो अगर मुझे इक्वेशन बनाना हो, क्या आएगा, 39 upon a+b प्लस में 25 upon a-b ओके इज इक्वल टू 8. डाउनस्ट्रीम को आप u मान सकते हो और अपस्ट्रीम को आप v मान सकते हो, ठीक है. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 39 upon a u प्लस में 25 upon a v इज इक्वल टू 8. अब अगला देखो, अगला क्या कह रहा है, व्हाइल इट टेक्स 10 hours टू गो 52 km डाउनस्ट्रीम एंड 30 km अपस्ट्रीम, यानी कि 52 km अपस्ट्रीम जाने में और 30 km अपस्ट्रीम जाने में और 52 km डाउनस्ट्रीम जाने में उसे 10 घंटे लग रहे हैं. यानी कि 52 km धारा के साथ u और 30 km धारा के अपोजिट जाने में उसको 10 घंटे लगते हैं. अब आप क्या करोगे, इसको इक्वल बनाओगे. कैसे बनाते थे, देखो जरा गौर से, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 39 है और ये 52 है,
तो ये 13 इंटू में 3 हो रहे हैं और ये 13 इंटू में 4 हो रहे हैं। तो जैसे यहां 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं पूरे को कर देता हूं, देखो 39 इंटू में 4 तो 156 अपॉन में यू इज इक्वल टू 25 इंटू 4 100 अपॉन में वी इज इक्वल टू 32। ये इस इक्वेशन से आया, इस इक्वेशन से देखो 52 इंटू में 3 156 अपॉन में यू प्लस में 30 इंटू में 3 90 अपॉन में वी इज इक्वल टू 10 इंटू 3 30। अब क्या करना है, सिंपल आपको सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो ये कट गया, ये आ जाएगा 10 अपॉन में v इज इक्वल टू 2। सो यहां से v की वैल्यू आ गई है 5। अब पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, पुट v इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब आप देखो यहां पे क्या था, 39 अपॉन में u प्लस 25 अपॉन में v, v कितना है 5 है, ये 8 दे रखा है, तो 5 से 5 काटोगे 5, 39 अपॉन में u इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 5 3। सो u की वैल्यू आ गई 13। अब जरा गौर से देखो, अब जो u है, u मैंने बताया था ये डाउन स्ट्रीम है और v जो है वो अपस्ट्रीम है। सो आपके पास a प्लस बी दे रखा है 13 और a माइनस बी दे रखा है 5। इसको सॉल्व कर लो, 2a इज इक्वल टू 18, a की वैल्यू आ गई 9। अगर आपसे धारा का पूछा होता तो यहां पे 9 पुट कर देते, 4 आ जाता, ये आपका आंसर है। ये टाइम लेगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, 1 से 1.5 मिनट का क्वेश्चन है ये, बट ध्यान रखना आपके पास 25 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। कभी भी ये मत सोचो कि हर क्वेश्चन को तुम्हें 30 सेकंड में करना है, हर क्वेश्चन को 20 सेकंड में करना है। भैया देखो 25 में से 15 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आप मतलब 30 सेकंड से कम में करोगे, कि बाकी जो 10 क्वेश्चन होते हैं ना ये आपका 1.5 मिनट लेगा। तभी तो देखो 15 क्वेश्चन अगर 30 सेकंड से करते हो तो 7.5 मिनट, और 10 को तुम अगर 1.5 मिनट में भी करते हो तो 15 मिनट। अगर आप 22.5 मिनट में मैथ कर लेते हो स्टिल वो फास्टेस्ट है इसको, तुम मतलब इतना है कि अगर ये 2 मिनट भी तुम देते हो और एक्यूरेसी अच्छी होती है ना, तो भी तुम्हारा अगर ये 27.5 मिनट में भी तुम्हारा मैथ्स का पेपर हो रहा है और 25 में 25 क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो तो वो सफिशियंट है। तो डोंट टारगेट कि हर क्वेश्चन तुम्हें 30 सेकंड में करना है, तो पहले तो ये माइंड सेट चेंज करो कि हर क्वेश्चन जल्दी ही करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके देखो 39th क्वेश्चन क्या है, कह रहा है अ बोट गोज 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 9 आवर्स। सेम क्वेश्चन है, 24 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम यानी कि यू और 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितने घंटे में जा रहा है, 9 घंटे में। व्हाई इट टेक्स 8.5 आवर्स टू गो 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम यानी कि 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जाने में उसको 8.5 घंटे लग रहे हैं। अगेन 24 और 36 को हमें इक्वल बनाना है तो 72 बन रहा है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 2 से, तो 24 दिया 72 अपॉन में यू प्लस में 36 दिया 108 अपॉन में वी इज इक्वल टू 9 3 27 और ये आ जाएगा 72 अपॉन में यू प्लस में 24 2 48 अपॉन में वी इज इक्वल टू 8 2 16 1 17। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो ये कट जाएगा, ये 72 है, आ जाएगा 60 अपॉन में v इज इक्वल टू 27 में से 17 10। तो यहां से v की वैल्यू आ गई आपकी 6, यहां पुट कर दो 6 3, u की वैल्यू आ जाएगी 8। ओके ये u है, v 6 है यानी कि a माइनस बी आपके पास 6 है और a प्लस बी आपके पास 8 है। इसको सॉल्व कर लो, a की वैल्यू 7 आ जाएगी, b की वैल्यू 1, कैसे किया 2a इज इक्वल टू 14 कट करके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, तो बोट यहां पे ए है और ए की स्पीड कितनी है 7 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और थोड़ा सा मैंने सोचा कि आपका माइंड जो है थोड़ा सा उसको बढ़ा देते हैं, ब्रॉड कर देते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस तो कम होते हैं, बट अगर आप ये कर लेते हो तो ये देख लो कि जो आपका माइंड है वो काफी ब्रॉड होगा, मतलब सोचने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पहले आप पॉज करो और फिर करो ताकि आपको पता चले कि आपका दिमाग कितना चलता है, फिर मैं करवाता हूं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करवाता हूं, आई होप आपने पॉज करके वो कर लिया होगा अब तक। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सिप इज 77 किलोमीटर फ्रॉम द शोर। ओके एक सिप है जो सोर मतलब किनारा होता है, ये किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। ओके 77 किलोमीटर दूर है। ओके एक बोट है, से ये बोट है, ये किनारे से 77 किलोमीटर दूर है। स्प्रिंग्स अ लीक विच एडमिट 2.25 टन ऑफ वाटर इन एवरी 5.5 मिनट। ये कह रहा है कि जब ये 77 किलोमीटर दूर था ना तो इसको ये पता चला कि इसमें एक लीकेज है। ओके
उस लीकेज से 2.25 टन पानी जहाज के अंदर यानी नाव के अंदर आ रहा है हर 5.5 मिनट में। ओके, तो पहले तो ये देखो कि 5.5 मिनट में कितना पानी आ रहा है, 2.25 टन, तो 1 मिनट में कितना आएगा, 1 मिनट में आ जाएगा 2.25 अपॉन में 5.5, ये कट कर सकते हो तुम, ये टन में है ध्यान रखना, तो 225 से कटे तो 9/22 टन, ये क्या है 1 मिनट की एफिशिएंसी आ गई है। ओके, ये 1 मिनट का है। ओके, आगे देखो, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि एन आउटलेट टैंक कैन थ्रो आउट 12 टन्स ऑफ वाटर पर आवर, एक आउटलेट टैंक भी है इसमें, यानी कि जो पानी भर रहा है ना उसमें से कुछ पानी बाहर भी वापस निकल रहा है, तो उसकी स्पीड क्या है, 1 घंटे में 12 टन, तो अगर 1 मिनट में ये 9/12 टन पानी, ये इनलेट है, ओके ध्यान रखना ये इनलेट है, 1 मिनट में 9/12, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में इनलेट, तो 9/22 गुना में 60, इसको सॉल्व कर सकते हो, ये 11, ये 30, यानी कि 270/11 टन पर आर, ये क्या है इनलेट है। ओके, ये आपका टोटल इनलेट है, यानी कि 1 घंटे में 270/11 लीटर पानी अंदर आ रहा है, लेकिन एक आउटलेट पाइप भी है। ओके, एक आउटलेट पाइप भी है जो बेसिकली 12 टन पर आर निकाल रहा है। ओके, ध्यान रखना, तो एक्चुअली में वाटर कितना अंदर जाएगा, एक्चुअली वाटर कितना होगा, यानी एक्चुअली में इनलेट कितना होगा, 270/11-12, तो इसमें से जब ये घटा दोगे 12 × 11 132, तो ये आ जाएगा 138/11, यानी कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि 1 घंटे में इतना पानी उसमें एक्चुअली में भर रहा है। ओके, ये तो हमने ये निकाल दिया कि इसमें कितना पानी आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब सॉरी आगे देखते हैं क्या कह रहा है, फाइंड एट व्हाट स्पीड इट शुड मूव सच दैट व्हेन इट बिगिंस टू सिंक अ रेस्क्यू शिप मूव विद 6 km/h। अब देखो क्या हुआ है, जब इसको ये रियलाइज हुआ ना तो ये इधर की तरफ आना स्टार्ट कर दिया और एक और शिप है। ओके, एक और शिप है जो इसकी तरफ चलना स्टार्ट कर दिया है और इसकी स्पीड कितनी है, 6 km/h। ये दोनों जब मिलेंगे ओके तभी जाके ये एक तरह से कह सकते हो कि रेस्क्यू हो पाएगा। ओके, रेस्क्यू हो पाएगा। अब जरा गौर से देखो, 69 टन पानी अगर इसमें भर जाता है ना तो ये डूब जाएगा, ध्यान रखना, अगर ये 69 टन वाटर इसमें आ जाता है, तो अगर 1 घंटे में 138/11 है तो ये निकाल सकते हो कि 69 टन भरने में कितना टाइम लगेगा। देखो 1 आवर में कितना है, 138/11, तो टोटल 69 टन में कितना आएगा, 1 घंटे में अगर 138/11 है तो 1 टन में क्या होगा, 11/138, 1 टन, और 69 टन के लिए इसको कितना चाहिए, 11/138 × 69, तो ये तो कट गया है, यानी कि 11/2 आवर। अब ध्यान रखना कि ये जो सिंक है, ये जो सिर्फ है, ये एक्चुअली में सिर्फ 11.5 घंटे ही आगे चल सकता है, अगर वो गलती से भी 1 मिनट या 2 मिनट भी लेट हुआ ना तो वो डूब जाएगा, तो यानी कुल मिला के उसके पास 11.5 घंटे है। ओके, 11.5 घंटे है। अब 11.5 घंटे में वो देखो 70 किलोमीटर तो नहीं पहुंच सकता, उसकी स्पीड हमें पता नहीं है, वो कह रहा है कि 11.5 घंटे बाद यहां पे ए और बी दोनों मिल रहे हैं, ए कौन है, ए है रेस्क्यू वाला और बी ये है, अब बी की हमें स्पीड पता नहीं है। ओके, बी की स्पीड हमें, यहां कर रहा हूं मैं क्वेश्चन, देखो छोटा सा बच गया बस, बी हम एक्स मान लेते हैं और ए हम क्या मान लेंगे, 6 किलोमीटर जो क्वेश्चन में दे रखा है, तो आप ये कह सकते हो 6 + x दोनों मिलकर 11.5 घंटे में 77 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, तभी तो बच पाएगा ना। देखो कैसे, दोनों मिलकर यहां पहुंचना है, ये कुछ डिस्टेंस चलेगा, कुछ ये डिस्टेंस चलेगा और दोनों मिला के 77 किलोमीटर चलेंगे और 11.5 घंटे में चलेंगे, तो ये कट गया, 6 + x = 14 आ जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ गई 8 km/h। ये आपका फाइनल आंसर है, इस क्वेश्चन को 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से, और नहीं भी आता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस सीएचएसएल में तो नहीं होता है, सीजीएल में भी प्री में होता है, मतलब प्री में नहीं होता है, मेंस में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो जब आप मेंस करोगे तो मैं ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब जो मैं पाइप एंड सिस्टम का एक और वीडियो अपलोड करूंगा, हो सकता है अभी थोड़े दिन बाद, तो उसमें सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे,
तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा अब तक। अगर पसंद आया है ये वीडियो तो प्लीज भैया कमेंट में बता दो, मैंने पहले भी बताया है, अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि वीडियो कैसी लगी है। ग्रुप है, ग्रुप में भी बता सकते हो अगर कोई सजेशन है, या फिर नीचे कमेंट में बता दो अगर हमारे लिए कोई सजेशन है तो। थैंक यू सो मच, इस क्लास में इतना ही था, इस चैप्टर में इतना ही था फिलहाल, आगे अगर आता है तो हम प्लेलिस्ट में इसको ऐड करते जाएंगे। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एट इकी बेसिस जोन, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू एनी गवर्नमेंट जॉब यू कैन आस्क मी, आपको जवाब दिया जाएगा तसल्ली से, अच्छे से जवाब दिया जाएगा। नीचे लिंक है व्हाट्सएप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, बॉयज के लिए अलग है गर्ल्स के लिए अलग है, तो भैया अपने अपने जेंडर के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करना। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको वीडियो और पीडीएफ वगैरह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।